वेलकम ऑन जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में 6 मई 2024 को एनडीए राइफल बैच जो सिंचुरी डिफेंस एकेडमी ने लॉन्च किया है उसके फीचर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों के ऑनलाइन रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हमें टारगेट कोर्स चाहिए है ऑफ टीम सेंचुरियन। सो वी हैव कम अप विद अ प्लान ऑफ एनडीए राइफल बैच जहां हम आपको कराने वाले हैं टारगेट एनडीए 2024 की फुल ऑन प्रिपरेशन। और आप उस इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ोगे जिसने ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 3 प्रोड्यूस किया है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एग्जाम्स और ऑफिसर्स क्रिएट किए हैं। मैं प्राउडफुली कहती हूँ कि नेशनल डिफेंस अकेडमी में हर बार हमारी एक फ्लाइट ऑफ स्टूडेंट्स जाती है जो टीम सेंचुरियन को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में इस बार फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपकी तैयारी बिल्कुल जोरदार तरीके से होने चाहिए। हमारी टीम उसका खास ध्यान रख रही है और अपडेटेड टेक्निक्स के साथ में अपडेटेड लेसन प्लान, मोर फिल्टर्ड कंटेंट, एनडीए 1 2024 एग्जाम के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड अपनी एक फुल फ्लेश्ड बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका एक ही टारगेट है कि आपको एग्जामिनेशन आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कराना है। तो आइए एक एक करके हम क्या करेंगे, हम फीचर्स समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर बैच के और देखेंगे टीम सेंचुरियन आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आई है। सबसे पहली बात आपको बताना चाहती हूँ रेगुलर क्लासेस की। अभी ये तो हर आदमी कहता है कि रेगुलर क्लासेस देंगे, बट अभी हमारी क्लासेस कैसे होने वाली हैं? सबसे बात तो रेगुलर क्लासेस क्या होती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक 4 आवर्स की क्लासेस आपको डेली मिलेंगी टीम सेंचुरियन। और हमने देखिए इसको कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। डिजाइन कैसे किया है कि डेली आपके पास एक मैथ्स का क्लास होना चाहिए, प्लस आपके पास में एक क्लास होना चाहिए इंग्लिश का, ठीक है, फिर एक आपको साइंस के सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा और एक आपको एसएसटी का मिलेगा, ताकि बैलेंस रहना चाहिए टॉपिक्स के बीच में जो आप पढ़ाई कर रहे हो। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स जब आप डेली बेसिस पर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट भी रहता है, माइंड के ऊपर बर्डन नहीं रहता है और एक साथ धीरे धीरे करके आपका सारा जो कोर्स है वो कंप्लीशन की तरफ पहुंचता है। बेस्ट पार्ट क्या है कि क्लासरूम्स आपके बहुत ही टेक्निकली अपग्रेडेड हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, फिगर डायग्राम मेथड्स हैं जिसके जरिए हमारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और समझाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि हम फिल्टर्ड कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं जो सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब आगे हम बात करते हैं तो वीकली मॉक टेस्ट। ये एक बहुत मेजर मुझे लगता है कि रोल प्ले करता है हमारे सक्सेस में, क्योंकि वीकली मॉक टेस्ट हमारा हर सैटरडे को कंडक्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि जब एग्जाम पास आ रहा होता है ना तो ना सिर्फ सैटरडे संडे डबल टेस्ट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लगाती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और वीकली मॉक टेस्ट अगर आप हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं तो आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इंग्लिश मीडियम बोर्ड से है तो आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और दोनों ही कोर्सेज के लिए क्लासेस भी डिफरेंटली चलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वीकली टेस्ट में आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स के बीच में आपकी क्या रैंक आ रही है आपको एक एनालिसिस मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन लेवल का आपको अंदाजा चलता है। और मम्मी पापा भी बार बार पूछते रहते हैं ना प्रिपरेशन के दौरान कैसी चल रही है, क्या स्कोर किया, तो एटलीस्ट आपकी ऑल इंडिया रैंक जो वीकली टेस्ट में आ रही है उसके जरिए आप उनको भी एक एक्यूरेट फिगर बता सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। और सबसे पहली बात तो ये है ना कि दूसरों को बताने से पहले हमें खुद को एहसास होना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो यहाँ से आप इंट्रोस्पेक्शन कर पाओगे अपनी प्रेपरेशन के लेवल का। द नेक्स्ट इज ओन आरएनडी स्टडी मटेरियल। हाँ जी, हम आपको बाहर की बुक्स रेफर नहीं करते हैं, फिल्टर्ड कंटेंट की बुक्स है हमारे खुद के आरएनडी पब्लिकेशन टीम ने बनाई है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, आपको वेरियस सब्जेक्ट्स की बुक्स मिलती है, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब की। तो ये जो बुक्स होती है ना, आप देखोगे ना इतनी मोटी मोटी बुक्स नहीं होती हैं, ये बिल्कुल फिल्टर्ड बुक्स होती हैं जिनमें से आपको जितना पढ़ोगे ना, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना उतना ही आपको पढ़ना है, वही आपको बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट की जैसे गाइड होती है ना, बेस्ट फ्रेंड होती है, और बोर्ड्स में बच्चे गाइड्स और सेल्फ स्टडी बुक्स लेके आते हैं ताकि इजीली उनके शॉर्ट नोट प्रेप्स हो सके। तो ये बुक्स जो है ना बस वैसे ही काम करती है, आपकी बेस्ट गाइड्स होती हैं, आपको डराती नहीं है, बल्कि आप जब पढ़ते हो तो आपको चीज़ें आसान लगती हैं। और साथ ही साथ में जब टू द पॉइंट फिल्टर कॉन्टेंट आपको मिलता है जिसके लिए आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपको मज़ा भी आता है प्रिपरेशन पर, शर्ते आप डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज वीकली डीसीएस में, मतलब हमारा क्या रहता है कि अगर बच्चे को डाउट है
तो कभी कभी क्या होता है भाई, एक क्लास लगा और सेकंड टीचर आ गए, आप अपनी किसी भी सब्जेक्टिव डाउट को क्लियर नहीं कर पाए। तो वीकली डीसीएस एक इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हफ्ते के दौरान जब भी कोई डाउट होते हैं तो आपके डाउट क्लियरिंग काउंटर्स रहते हैं, जहां पर आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से जाकर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्वेश्चन के डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और ऐसे हमेशा डाउट फ्री रहोगे, उतना ही ज्यादा ईजी होगा आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगी कि डाउट्स हैं तो शर्माना नहीं है, बाहर निकल के आना है, अपनी डाउट्स को कन्फर्म करना है, उसको रिजोल्व कराना है, ताकि क्लैरिटी हो माइंड में और माइंडसेट भी आपका क्लियर है फॉर योर एम। द नेक्स्ट इज द फिल्टर्ड लेसन प्लान। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप एक कोर्स ज्वाइन करते हो, अभी आपने राफेल बैच ज्वाइन तो किया, इसका एक लेसन प्लान ड्राइव किया जाता है कि भाई इंग्लिश में इस तरीके से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 30 लेक्चर्स हैं तो वो इस हिसाब से प्लान किए जाएंगे, साइंस में इतने लेक्चर्स हैं, मैथ्स में है 120 लेक्चर्स, तो उसको हमें ऐसे प्लान करना है। तो हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है जो हमारे टीचर्स प्री प्लान करके रखते हैं, ताकि हमारा जो टाइमली कोर्स कंप्लीशन भी हो सके, और बच्चे को लेसन प्लान की सूची दे दी जाती है सो दैट उसको भी सेटिस्फैक्शन हो गया, अच्छा आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसने टिक मार लिया, तो उसको परसेंटेज ऑफ सिलेबस जो बचा है, जो अभी कवर होना है, उसका आइडिया होता रहेगा, जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन को तसल्ली से करेगा। क्योंकि होता क्या है ना, शुरू करने से पहले बहुत डर लगता है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नहीं शुरू करें, तो ये सारी डाउट्स को हमारे टीचर्स ने आपके लिए बहुत ही ईजी और सिंपल मैनर में रिजोल्व कर दिया है। नेक्स्ट इज रेगुलर एसएसबी एक्सपोजर, ये बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज से कि आपके एसएसबी इंटरव्यू की जो शुरुआत है ना, वो एनडीए के सपने से होती है। जब आप एनडीए रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने का सपना देखते हो, तभी से आपने एसएसबी इंटरव्यू का सपना देखना है, क्योंकि पर्सनालिटी 20-21 दिन में चेंज नहीं होती है, इट टेक्स ईयर्स टू अपग्रेड योर पर्सनालिटी। और एनडीए का जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है, दिस कम्प्लीटली टेक्स 1 ईयर और सो, राइट? और आपकी प्रिपरेशन करीबन 6 महीने 1 साल से और चल रही होती है, तो तब से धीरे धीरे एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है। तो सेंचुरियन व्हाट वी डू इज ना, आपका रेगुलरली पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस लगते हैं फ्रॉम द टीचर्स, सर शिशिर दीक्षित सर और जो आपके एक्स बोर्ड मेंबर्स हैं उनके द्वारा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर्स के द्वारा, ताकि हम आपको ये बता सकें कि रिक्वायरमेंट और पैरामीटर ऑफ द सिस्टम है क्या, आपने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी में अपग्रेडेशन और चेंजेस लाने हैं, कैसे अपने नए दोस्त बनाने हैं, फिल्टर करना है कि कौन से दोस्त मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं अच्छे हैं, कैसे टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी है, कैसे करंट अफेयर्स पर इम्फेसिस डालना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर ये बीच बीच में होते हैं, ये नहीं कि आपको डेली इसका एक क्लास मिला, नो, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके क्लासेस के शेड्यूल में महीने में फॉर एग्जांपल 4-5 सेशंस आपके ये लग गए, इससे क्या होगा ना, आपका कंटीन्यूअस मोटिवेशन भी बनता रहेगा, और साथ ही साथ में आप सेल्फ मोटिवेटेड तो रहते ही हैं, बट अगेन एक जो आप अगर पाथ से फॉर एग्जांपल डेविएट हो रहे होते हो, तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है इन सेशंस के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट इज की फ्री एसएसबी इंटरव्यू ट्रेनिंग। हाँ जी, 16,000 रुपीज का ये बैच होता है जब बच्चा अकेले एसएसबी ज्वाइन करता है, बट जब आप हमारे रिटन कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको फ्री एसएसबी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें मनसा वाचा कर्मणा, साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ, कॉन्फ्रेंस प्लस सीपीएसएस, जिसमें कि फाइटर पायलट जिनको बनना है, या एयरफोर्स में पायलट, आर्मी में पायलट बनना है, उन सबके जो क्वालिफाइंग टेस्ट की ट्रेनिंग होती है टीम सेंचुरियन प्रोवाइड करती है। तो ये भी अगेन आपके लिए बहुत बैंग ऑन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बीच बीच में हम आपको एसएसबी रिलेटेड लेक्चर्स हो गया और आपके विजिट्स हो गए, वो प्लान करते रहते हैं, ताकि आपका माइंड मेकअप धीरे धीरे बनता रहे। मोर ओवर, इंडिया का लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड जो कि 5 एकर्स में बना है, प्लस 165 प्लस ऑब्स्टेकल्स है, इंडियन आर्मी के भी हैं, नेवी के भी हैं और एयरफोर्स के भी हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत बैंक ऑन बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपके मंथली विजिट्स प्लान करते हैं, ताकि एटलीस्ट पहले से आपको आइडिया और एक्सपोजर हो, ऑब्स्टेकल्स होते कैसे हैं, अच्छा ग्रुप रेस में करना क्या होता है, एजीटी पीजीटी होता क्या है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कैसे होते हैं, रोप क्लाइंबिंग कैसे होती है, और आपका कमांडो वॉक कैसा होता है, हमें कैसे ऑब्स्टिकल्स को अटेम्प्ट करना होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि सिर्फ पढ़ते 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 भी तो बोर हो जाओगे, राइट? तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा हमने फिजिकल सेशंस में इंक्लूड कर दिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा चेंज ऑफ मूड हो जाए, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, और साथ ही साथ में कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइमली कोर्स कंप्लीशन इस पूरे बैच का एक बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि टाइम्स क्या होता है ना, बच्चे तैयारी तो शुरू कर देते हैं, पर टाइमली तैयारी खत्म कराना, टाइमली चैप्टर्स को खत्म कराना, कंटेंट को खत्म कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सेंचुरियन हमेशा इस चीज का बहुत ध्यान रखती है। नेक्स्ट इज रिपीट रिवीजन बिफोर द एग्जाम। अब जब हम आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट कराते हैं, तो हम ऐसा टाइम रखते हैं 15-20-30 दिन का एज पर द बैच, कि इतना टाइम हमें मिले ताकि हम एक बार पूरा कोर्स आपको रिवाइज करा सके। तो ये रिवीजन होती है, खूब तगड़ी रिवीजन होती है, जिसमें आपको नाइट क्लासेस भी दी जाती हैं बूस्ट करने के लिए आपकी प्रिपरेशन को। जो बच्चों के टॉपिक्स होते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, जो बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, उस पर हम नाइट क्लासेस कराते हैं। प्लस ओवरऑल एक कोर्स रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ताकि हम लास्ट मिनट पे, लास्ट के वन मंथ पे आपको एक बार रिवाइज करा सके कि आपने क्या क्या पढ़ा और कैसे आपको उसको आगे लेके जाना है। नेक्स्ट इज कंप्लीट पीवाईक्यू का कवरेज भी होता है। अब देखो एक ही कोर्स है उसमें आपको ए टू जेड फैसिलिटीज मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि सेंचुरियन सिर्फ क्लास का पढ़ाएगी, अब पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी टीम हमारे टीचर्स आपको पीवाईक्यूज तक कवर कराने वाले हैं। सो इस चीज में आपको अगेन बहुत ही खुशी होनी चाहिए। रीजन भी पीवाईक्यूज बहुत हेल्प करते हैं और उससे बहुत आइडिया मिलता है कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, और कुछ कुछ पीवाईक्यूज का पैटर्न रिपीट हो जाता है तो ऐसे में अगेन आपका स्कोर ही बूस्ट होना है, राइट। नेक्स्ट इज की मोटिवेशनल टॉक्स विद रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कोचिंग तो वही होती है ना यार जिसके बाद ढेर सारे सिलेक्शन होते हैं, और सेंचुरियन जैसा संस्थान जो हर हफ्ते 2 से 3 सिलेक्शंस प्रोड्यूस करा रहा है, एनडीए में पूरी पूरी फ्लाइट भेज रहा है अपने रिकमेंडेशंस, अपने यू नो ट्रेनिंग के दम पर जो इतने अच्छे सिलेक्शंस गेन कर रहा है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, तो ऐसे में ये जो बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, तो जो पढ़ रहे बच्चे होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे को हिम्मत मिलती है, अच्छा यार कोचिंग से सिलेक्शन हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन हो रहे हैं, मतलब कि ठीक है यार बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग नहीं होगी तो सिलेक्शन कैसे होगा। आप ये देखो ना, कोई भर पुराना इंस्टीट्यूट तो है नहीं है कि उठा के हमने भी नो किसी ने हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर ली तो उठा के उसका भी नाम लगा दिया, ये भी हमारा सिलेक्शन है। किसी ने हमारी फ्री लाइफ क्लास देखी थी आपके अंदर, उसका भी डिटेल मिल गया, एनडीए की मेरिट लिस्ट निकली, नंबर में लाया, उसको भी अपना सिलेक्शन मान दिया। वी डोंट डू दिस थिंग। हमारे जो जेन्युइनली ट्रेंड स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने जेन्युइनली हमारे एडमिशन लिया है, और उसके साथ साथ में उसकी आप देखोगे जब सेंचुरी अपना रिजल्ट अपडेट करती है उसकी कोरिलेटेड पिक्चर्स भी उसमें डालती है, ताकि बच्चे को ये ट्रस्ट हो कि यार ये इनका स्टूडेंट है। दे आर नॉट लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स जो क्या करते हैं कि सिर्फ सिलेक्शंस दिखाने के लिए कहीं ना कहीं से सिर्फ उनकी एक टीम इसलिए होती है कि बच्चे का नाम ढूंढो, मेरिट लिस्ट से मैच करो और सिलेक्शन प्रेजेंट करो। वी डोंट डू दैट। हमारे जेन्युइन सिलेक्शंस हैं, जेन्युइन सिलेक्शंस हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स आते हैं मंच पर, बोलते हैं कैसे सेंचुरी ने हेल्प किया है उनको सिलेक्शन पाने में। तो जब आप जब उस क्लास में बैठे होते हो और इन बच्चों को स्टेज पर देखते हो ना बोलते हुए, तो जज्बा पैदा होता है कि यार मुझे भी अपने मम्मी पापा को यहीं खड़ा करना है, और मुझे भी उनको यही इज्जत मान सम्मान देना है, मुझे भी ऐसे अपने लिए ढोल बजवाना है, मेरे लिए भी बच्चे नाचेंगे और फूल पड़ेंगे, मेरे को भी मिस्टर सेंचुरियन मिस सेंचुरियन का अवार्ड मिलेगा। तो ये चीजें बड़ी अच्छी होती है, तो ऐसे में ये अगेन आपको बूस्ट अप करता है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एसएसबी में जाओगे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, क्या होगा। तो ऐसे में क्या है, हमारे टाइम टू टाइम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ग्रीन एथॉन्स हो गया, इवेंट पार्टिसिपेशन हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, इन रेगुलर में पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन, डिबेट, जीके क्विज, इस तरीके के हम रैंडम कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे क्या होता है आप पार्टिसिपेट करते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपको हम सर्टिफाई करते हैं। तो ऐसे में अगेन वो आपके लिए बहुत बूस्ट करता है, एक तो आपका मोटिवेशनल लेवल बूस्ट होता है और आपके अंदर अगेन कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, हाँ जी, हमारे वो टीचर्स नहीं है कि जो एक टाइम एनडीए पढ़ा रहे हैं, दूसरे टाइम बैंक एसएससी पढ़ा रहे हैं, नॉट लाइक दैट। वी आर अ ब्रांड, तो वी इंश्योर कि हमारे जो टीचर्स हैं ब्रांड स्पेसिफिक और कोर्स स्पेसिफिक हो। तो हमारे सारे टीचर्स आपको अगर एनडीए पढ़ाते वाले मिलेंगे तो सब एनडीए ही पढ़ाएंगे आपको, वो टीचर कहीं और नहीं दिखेंगे कि वो किसी दूसरे कोर्स को डील कर रहे हैं। दैट इज द यूनिक फैकल्टी सिस्टम हमने डेवलप किया अपने यहाँ पे। देन अगेन आपको और कोचिंग्स में बड़े सारे ऑफिसर्स मिलेंगे, बट एसएसबी बोर्ड मेंबर्स नहीं मिलेंगे, और इसमें डिफरेंस होता है। तो हमारे पास क्या है, वी ऑफर यू एसएसबी बोर्ड मेंबर्स जो आपको अगेन हेल्प करते हैं, इनसाइट देते हैं अबाउट दी एसएसबी। तो इनकी भी क्लासेस आपको ना बीच बीच में लगती हैं, तो मैंने वॉक इन स्मार्ट लिए तो बड़ा मजा आता है देख के। अच्छा सर ऑफिसर थे, सर कर्नल थे, सर ब्रिगेडियर थे, सर मेजर जनरल थे, तो दैट हेल्प्स यू अल्टीमेटली कि यार मुझे इनके जैसा बनना है, यू नो एट माई एज आई वुड बी लाइक देम गिविंग लेक्चर टू द स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं यू रिलेट, एंड व्हेन यू रिलेट दैट यू नो अल्टीमेटली क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी यील्ड आउट करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत और पॉइंट्स हैं जो मैं और बताना चाहती हूँ, दैट इज इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी हम आपका साथ में ही चलाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े सारे बच्चे जो कि स्टेट बोर्ड से होते हैं या इवन नॉर्मल बोर्ड से भी होते हैं, उनका स्पोकन इंग्लिश अच्छा नहीं है, स्टेज कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब ए टू जेड चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है, तो दिस बिकम्स अवर जिम्मेदारी कि हम आपको इंग्लिश स्पोकन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की रेगुलर क्लासेस दें, आपको अगेन हेल्प करें, बूस्टअप करें, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके और इंग्लिश इंग्लिश के चक्कर में आप जो डाउन फॉल ना महसूस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्टल और मेस फैसिलिटी बहुत ही अच्छी हमने आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें आप रहते भी हो, फूडिंग एंड लॉजिंग का टीम सेंचुरियन ध्यान रखती है, तो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड वी हैव मल्टीपल ऑप्शन जहां आप अपनी पसंद का रूम हॉस्टल ले सकते हो और अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हो विद डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल एट सेंचुरियन। तो होता क्या है ना, जब आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट हमको मिले, क्योंकि हम कोचिंग क्यों आते
होते हैं, इतनी दूर से आते हैं, पैन इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं सेंचुरियन में, बच्चा कोचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इन्वायरमेंट के लिए, और वो इन्वायरमेंट आई प्राउडली से कि टीम सेंचुरियन ने क्रिएट किया है। आपकी एंट्री बायोमेट्रिक से होती है, आप क्लास में कैसे जाओगे, चप्पल और सैंडल पहन के नहीं जा सकते, जूते पहन के जाओगे, ये हम आपको पर्सनैलिटी में डेवलप कराते हैं, आप ऐसे ही नहीं आ सकते हो इंस्टीट्यूट। गेट वेल ड्रेस्ड, कम अटेंड दी क्लास, आईडी कार्ड होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन से बांध के रखते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस क्यों है? आपको ट्रैक करने के लिए, आपके अटेंडेंस को, आप जहां एक दिन दो दिन एबसेंट होते हो, आपके रेगुलर काउंसलिंग सेशन होते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, हम क्लास 12 तक पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं, रूल्स और रेगुलेशन से बाध्य रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ना, कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो बहुत हम पे ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हम अपने मन की करते हैं। लेकिन जब आप सेंचुरियन का हाथ थाम लेते हैं, तो जो आपके मन की है ना, ये होगी लेकिन उतनी नहीं होगी, बिकॉज हम आपको उस तरीके से ट्रेन करेंगे कि आप सेंचुरियन के मन की करो। क्योंकि जब एक बार आप सिस्टम के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करोगे, जो हमारा रोड मैप हमने आपके लिए तैयार किया है, जिसके लिए यू पेइंग द फीस, आप उसको बियर करोगे, उसके ऊपर चलोगे, तो अल्टीमेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर डेस्टिनेशन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एनडीए राफेल बैच। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो एनडीए 2024 की प्रिपरेशन के लिए, आप भी विजिट कर सकते हो सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी को, या फिर कनेक्ट कर सकते हो 9795977776 पर, और ले सकते हो पूरी जानकारी। मैं आपको यही कहूंगी, एक बार आइए, विजिट जरूर करिए, और तब डिसाइड करिए कि जो मैंने चीजें इस वीडियो में आपको क्लेम करी हैं वो कितनी सही है। बिकॉज वी एट सेंचुरियन बिलीव इन रेंडरिंग द ऑनेस्ट सर्विसेज, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑनेस्टी वी हैव बीन गार्नर्ड विद सो मेनी नंबर ऑफ सिलेक्शंस, जो आज देश भर के बच्चे हमें प्यार दे रहे हैं, और सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी एक फेवरेट संस्थान बना हुआ है ऑल ओवर डिफेंस एस्पिरेंट्स का। विद दिस एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इट। और आप सब्सक्राइब कर सकते हो सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को डिफेंस एग्जाम्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और डिफेंस एग्जाम्स से रिलेटेड, अपनी ट्रेनिंग अकेडमी से रिलेटेड अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फैक्ट्स जानने के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, एंड मच मोर। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। जय हिंद एंड नमस्कार। क्या आप भी प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप भी आसमान में नहीं बल्कि अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं, पर आपसे GAT और मैथ्स नहीं हो रही, और ऊपर से आपको 5 दिन के SSB इंटरव्यू का डर भी सता रहा है? इस वीडियो के ये 30 सेकंड्स आपकी लाइफ चेंज कर देने वाले है। सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी, इंडियाज मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर डिफेंस एग्जाम्स, प्रेजेंट्स द NDA फाउंडेशन कोर्स। NDA की असली सच्चाई रिटन प्लस SSB इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित है। रक्षा क्षेत्र में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी टॉप रैंक देने वाला एकमात्र रक्षा संस्थान आपको ऑफिसर कैडर में अपना सुनहरा भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। आज ही ज्वाइन करिए NDA रिटन प्लस SSB इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र NDA फाउंडेशन कोर्स, लखनऊ एवं देहरादून में।